अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम कोकोनट यानी जीरे खोबरे की चटनी बनाएंगे। तो ये अक्खे नारियल की आधी वाटी है, और ये कोथमीर, नमक और हरी मिर्ची। तो कोथमीर भी आपके पसंद से, जितना कोथमीर ज़्यादा लेना क्योंकि चटनी हरी हरी दिखे, और मिर्ची जितनी तीखी चाहिए उतनी आप मिर्चियाँ ले लेना। तो मैंने जितनी तीखी चाहिए थी उतनी मिर्चियाँ ले ली हूँ, और उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी कोथमीर, नमक, ज़ीरा, और ये डालूँगी मैं खोबरा इस तरीके से बारीक चॉप करके। और सारी चीज़ें मिक्सी में आपको पीस देना है, और मिक्सी में पीसने के बाद आपको आपकी चटनी रेडी मिल जाएगी। पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहना, एकदम से पानी नहीं डालना, नहीं तो मिक्सी के बाहर आ जाएगा। तो ये हो गई चटनी आपकी रेडी। अच्छा, ये चटनी में आप बगार भी दे सकते हैं, राई कड़ी पत्ते का, नींबू भी निचोड़ सकते हैं, फिर इसमें कैरी भी डाल सकते हैं, मगर मैंने ये सारी चीज़ें नहीं डाली है। मैंने सिंपल सोबर चटनी बनाई है, जो आप चावल की रोटी, गेहूँ की रोटी खाने के साथ खा सकते हैं, फ्रिज में रख के। जब भी आप स्टोर करके रखिए, आपको जब लगे कि आज चटनी खानी तो आप खा सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा चैनल आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय। चटनी ज़रूर बना।